अब लीमू नहीं बल्कि लीमू का छिलका खानों में डालें और देखें अपने जिस्म में होने वाली हैरानकुन तब्दीलियां। जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लीमू तो खानों में इस्तेमाल होता ही है, ये खाने को खुश जायका और खुशबूदार बनाता है, साथ ही इसके सेहत के हवाले से भी बेशुमार फायदे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लीमू के बजाय लीमू का छिलका खानों में डालने से क्या होता है? लीमू के छिलकों के फायदे, हड्डियों की सेहत। लीमू के साथ इसके छिलकों में भी विटामिन सी और कैल्शियम की भरपूर मिकदार मौजूद होती है, इसलिए इनका खानों में इस्तेमाल हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही लीमू के छिलकों का इस्तेमाल हमें हड्डियों की बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। आंखों की सेहत, लीमू के छिलकों में कैरोटीनॉइड की वाफिर मिकदार मौजूद होती है और ये आंखों की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। इससे आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता और आंखें सेहतमंद रहती हैं। दिल की सेहत, लीमू के छिलके मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम से मालामाल होते हैं और इनकी वजह से दिल की शरियानों की ऊपरी सतह पर सुकून रहती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। इस तरह ये दिल की सेहत का भी मुहाफिज है। कैंसर से बचाए, लीमू में मौजूद गिजाई अज्जा मुख्तलिफ किस्म के कैंसर से बचाव के लिए मुफीद है। ये कैंसर के जरासीम को पैदा होने और फैलने से रोकता है। वजन कम करें, लीमू के छिलके का इस्तेमाल वजन कम करने के लिए भी बेहद मुफीद है। लीमू के छिलकों में मौजूद गिजाई अज्जा वजन कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। लीमू के छिलकों का खाने में इस्तेमाल का तरीका, लीमू के छिलके चूंकि मोटे और थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए साबित इन्हें खानों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए लीमू को पहले फ्रीज कर लें, जब ये जम जाए और इसके छिलकों को बारीक बारीक कद्दूकश कर लें। अब इन बारीक छिलकों को फ्रीज में रखें लें और हर खाने और मशरूब में ऊपर से छिड़क कर इस्तेमाल करें। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।